अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज एक छोटा सा वीडियो अपने इन दोनों बच्चों को आज मैं डीवॉर्मिंग करने वाली हूँ और वो आपके साथ शेयर करूँगी। इन दोनों को डीवॉर्मिंग करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब भी आप कैट्स को डीवॉर्मिंग करें तो सबसे पहले उनके नेल्स काट लें, उनके नेल्स को ट्रिम कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़ोरदार पंजा मारते हैं और वो बिल्कुल भी दवाई खाने में अच्छे बच्चे नहीं होते। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो कि मैं इन बच्चों को कैसे डीवॉर्म करती हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने दिखाया है बहुत सारे वॉर्म्स आए हैं और वो पूरा गुलमोहर को साफ कर रहे हैं। तो जानवर के पेट के अंदर भी वैसे ही वॉर्म्स रहते हैं जिनको हमको डीवॉर्म करना पड़ता है हर महीने, खास करके जो घर में पले हुए जानवर हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, गोट्स हैं। और कैट्स तो खासकर दवा नहीं खाना पसंद करते, जितनी बार भी उनके मुंह में डालो वो उतनी बार भी थूकते हैं। तो देखते हैं आज क्या करते हैं ये लोग। चलो आ जाओ हैप्पी, काम काम, ये देखो काम, हाथ में खोल दो। इसमें दवा डाल के मैं उसमें उसकी स्मेल ला रही हूँ, मैं इसमें से उसकी गोली निकालती हूँ। ये है दवा। ये इनका फेवरेट फूड है जिसमें मैंने दवा को मिलाकर उसकी स्मेल लाई है। तो ये इसने थोड़ा सा वर्क किया और बेला ने अपनी आधी दवा इस टाइम खा ली थी, बाकी आधी मुझे उसको गोदी में लेकर उसके हाथ पैर पकड़कर फिर उसको खिलानी पड़ती है, जैसे ज़िद्दी बच्चे होते ना बिल्कुल वैसे। या फिर इस दवा को पीस कर आप खाने में भी मिला सकते हैं, या इसका पेस्ट बनाकर इनके मुँह में ड्रॉपर से भी डाल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि इनके मुँह में ही डालकर मैं इनको खिला दूँ, ताकि मुझे एक सेटिस्फेक्शन रहे कि इन्होंने दवा खा ली है। तो अब बेला मैडम की बारी है, उन्होंने जो आधी गोली छोड़ दी थी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो आधी गोली भी पूरी खा ले। तो मैं उसके साथ इस तरीके से उसके हाथ पैर पकड़ कर उसको खिला रही हूँ और वो खा भी लेगी जल्दी से, उसके पास ऑप्शन नहीं है। बट इस तरीके से खिलाने से मुझे एक वो रहता है कि हाँ ये दवा इनके पेट में चली गई है, वरना तो ये आधी खाते हैं और आधी फेंक देते हैं। देखिए किस तरीके से पंजे मार रही है, ये बहुत शैतान है, लेकिन मैंने भी इसको नहीं छोड़ा जब तक दवा मैंने पूरी इसको खिला नहीं दी। मेरी जान। अब बारी थी हैप्पी की। हैप्पी ज़्यादा नहीं सताता, हैप्पी जल्दी से दवा खा लेता है, अच्छा बच्चा है। तो इस तरीके से मैं इनको दवा खिलाती हूँ। और आपको ये वीडियो अगर थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वीडियो का एंड आज अलीज़े करेगी, तो चलिए मिलते हैं अलीज़े से। बोलो हेलो, मैं आज आई हूँ अनिकाला के घर में और मैं अपनी ब्लू ड्रेस पहन कर आई हूँ। वाओ, किसने बनाई है ड्रेस? नानी ने बनाई है। चलो आप पहले खड़ो। आज आए हैं आइसक्रीम खाने और हमारे साथ आई है अलीज़े। अलीज़े आइसक्रीम नहीं खाएगी, क्या खाएगी? चॉकलेट, अगर नहीं हुई तो कुरकुरे। हाँ, अलीज़े आइसक्रीम नहीं खाएगी क्योंकि अलीज़े की मम्मा ने अभी उसको अलाउड नहीं किया आइसक्रीम खाने के लिए। मना किया मना किया